अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पकड़े गए आरोपियों की संपत्तियों की जांच कराने के संबंध में युवा कांग्रेस ने ईडी को ज्ञापन सौंपा जाना था, जिसको लेकर युवा कांग्रेस कार्यकर्ता ईडी दफ्तर पहुंचे। वहीं ईडी का कोई भी अधिकारी मामले का संज्ञान लेने नहीं पहुंचा और दफ्तर के मुख्य गेट में अंदर से ताला लगाकर युवा कांग्रेस को बाहर ही रोक दिया गया, जिसके पश्चात कार्यकर्ता ताला तोड़कर ईडी के दफ्तर के अंदर घुस गए और ईडी अधिकारियों के विरुद्ध धरना प्रदर्शन करने लगे। मौके पर मौजूद अधिकारियों ने तुरंत पुलिस को फोन कर दिया। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। ईडी अधिकारी को ज्ञापन देने आए थे, ज्ञापन में एक जनहित की इतनी सी मांग थी कि यूके 3SC में जितने भी अपराधी पकड़े जा रहे हैं उन अपराधियों के पास अकूत संपत्ति होने की जानकारी सार्वजनिक जग जाहिर हो चुकी है। किसी के पास बड़े बड़े होटल हैं, कोई बड़े बड़े स्टोन क्रेशरों का मालिक है, कोई आलिशान गाड़ियों में घूम रहा है। वो पैसा इस प्रदेश के युवाओं के भविष्य को बर्बाद करके अर्जित किया गया है।